और शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी सरकार को कि आज आपकी वजह से निरंतरता में नीति आयोग के आंकड़े, और ये चिराग पासवान का नहीं है भैया, नीति आयोग की रिपोर्ट है ये, फिर से बिहार फिसड्डी साबित हुआ। कौन जिम्मेदार है? ये 5 बार के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन जिम्मेदार है? हर चीज में बिहार निचले पायदान पर चला जाता है, और मुख्यमंत्री को और शर्म आनी चाहिए कि भैया पहले पायदान पर किस पे जाता है? भ्रष्टाचार में, अपराध में, बेरोजगारी में। शराबबंदी को लेकर आप जिनको शपथ दिला रहे हैं भैया, अधिकांश वही लोग हैं जिनका संरक्षण प्राप्त है, तस्करों को, जो तस्करी कर रहे हैं, जो अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं, यहां पर उसको इंपोर्ट कर लाया जा रहा है दूसरे प्रदेश से, जहरीली शराब का निर्माण होने लग गया है प्रदेश में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोचते हैं कि अपने हवा महल में बैठकर वो समीक्षा कर लेंगे, उससे चीजों का समाधान हो जाएगा। और शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी सरकार को कि आज आपकी वजह से निरंतरता में नीति आयोग के आंकड़े, और ये चिराग पासवान का नहीं है भैया, नीति आयोग की रिपोर्ट है ये, फिर से बिहार फिसड्डी साबित हुआ। कौन जिम्मेदार है? ये 5 बार के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन जिम्मेदार है? हर चीज में बिहार निचले पायदान पर चला जाता है, और मुख्यमंत्री को और शर्म आनी चाहिए कि भैया पहले पायदान पर किस पे जाता है? भ्रष्टाचार में, अपराध में, बेरोजगारी में। जो शेल्टर होम में जो घटना घटी उसके बेमिसाल 15 साल, या आपकी वजह से जो पलायन करने के लिए मजबूर है बिहार के युवा और दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, किस हालात में रहते हैं, इनको आइडिया भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को? 15 सालों की 5 उपलब्धियां बता दें, बेमिसाल उपलब्धियां, कि ये कार्य मैंने किया। भाई नीति आयोग बताता है आपको, सरकारी आंकड़े आपको बताते हैं कि बिहार को बर्बाद करने में एक व्यक्ति जिम्मेदार है पिछले 15 सालों में, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और आज भी सत्ता का लालच देखिए इतना, कि तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद, जनता से अस्वीकार होने के बावजूद, जनादेश इनके खिलाफ आने के बावजूद मुख्यमंत्री बने बैठे हैं लालच की वजह से। तो जहरीली शराब से लोग मरे तो मरते रहे, यही इनका बयान भी है ना भैया, कि जो पिएगा वो मरेगा। भाई पी क्यों रहा है वो, मिल कहां से रही है? पीने वाला गुनहगार है या पिलाने वाला गुनहगार है? मिल रही है इसलिए पी रहा है, इसका मतलब आपका कानून विफल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अपने कानून को सुधारिए। शराब मिल रही है इसलिए लोग पी रहे हैं, मिल कहां से रही है उसको पकड़िए। एक कोई बड़ा तस्कर, कोई गिरोह बताइए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ा हो। कैसे संभव है भैया कि हर बिहारी जानता है कि होम डिलीवरी होती है शराब की, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं पता? और शराबबंदी, 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 दिन रात भैया इनको सपने में भी अब शराबबंदी का भूत दिखने लग गया है।